हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए मैं अपना सुबह सुबह वेट करने जा रही हूँ। वेट करते हैं, फिर से कर लेते हैं एक बार। वाओ 66.35, तो पहले था फ्रेंड्स 68, उससे पहले था जब हमने स्टार्ट किया था 78, अब पहुंच गया है 66 पर। थ्री मंथ में मैंने, अभी फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज करने। जब हम कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स अच्छे से तैयार होते हैं। उसी तरह जब मैं एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए जाती हूँ, शू और फिटिंग कपड़े ही पहनती हूँ। और साथ में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने वॉच भी लगाई है जिसमें काउंट होता है कितने स्टेप्स मैंने किए और कितनी कैलरी बर्न करती हूँ, आज सब मेंशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 10-15 मिनट अपनी वॉक का ले रही हूँ। जब भी मैं छत पर अपनी एक्सरसाइज करती हूँ ना, उस दिन 10-15 मिनट में वॉक और 5 मिनट रनिंग जरूर करती हूँ। इससे बहुत बेनिफिट होता है। हमें फास्ट वेट्स लूज चाहिए तो हमें रनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपसे नहीं होती तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें रनिंग करनी है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं कर पाते तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अभी मैंने अपनी रेगुलर एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैंने स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर जंपिंग जैक नहीं लगा सकते वाली एक्सरसाइज कर सकते हो फ्रेंड्स। हमें क्या है कि जो भी हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना है ना, वेट लूज जर्नी करनी है, तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और डेडिकेट की तरह हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ मैं आपको एक्सरसाइज इसलिए दिखाती हूँ कि जो अभी तक जिसने शुरू नहीं किया है एक्सरसाइज करना जहाँ वेट लूज़ करना, तो फ्रेंड्स वो शुरू कर दे, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं अगर किसी को देखते हैं ना। मैं भी किसी को देख देख कर ही मोटिवेट हुई थी, फिर ही मैंने अपने वेट लूज जर्नी स्टार्ट की है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज करने से हम पतले तो होते ही हैं, वेट तो कम होता ही होता है, हम फिट हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर मॉर्निंग में कर पाओ तो मॉर्निंग में कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर इवनिंग पर टाइम है आपके पास तो इवनिंग को कर सकते हो अगर वर्किंग हो फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स हमें ना इसे कुछ भी हम शुरू करें ना, उससे ना एक डेडिकेट की तरह, एग्ज़ाम की तरह फॉलो करें। जब हम लोग स्कूल कॉलेज या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम टेस्ट क्लियर करते हैं, जो टेस्ट है एग्ज़ाम देना होता है उसकी हम रात दिन एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह अगर हमें वज़न कम करना है तो हमें क्या है, एक एग्ज़ाम की तरह इसको लेना है और रात दिन एक करना पड़ता है, हमें जल्दी उठना पड़ता है। रात दिन एक तो नहीं करना, रात को कुछ नहीं करना, जल्दी उठना है, 7-8 आवर की नींद पूरी लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, हेल्थी घर का बना हुआ खाना खाना है फ्रेंड्स, और पानी आपको 3 या 4 लीटर रेगुलर पीना है। तो इससे बहुत अच्छा फील होता है जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, हम बहुत एनर्जी फील करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर ही ना छत पर ही मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आंधी तूफान आजकल बहुत आ रहा है, जिसके कारण देखिए कितने पत्ते सब मिट्टी यहाँ पर जमा हो रखी है। तो मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैंने 5 मिनट यहाँ पर बैठ गई थी धूप में। धूप भी हमें ज़रूर सेकनी चाहिए, इससे क्या होता है हमें विटामिन डी मिलती है। सुबह की धूप इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्लीनिंग भी कर दिया, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं की कि आप बोर करूँ ना इतना ज़्यादा दिखाकर, इतना ज़्यादा हम शेयर भी नहीं कर पाते ना वीडियो, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कपड़े भी उतार लिए जो सूख चुके हैं, नए डाल दिए हैं गीले कपड़े। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैंने भिंडी लगाई है, पहले भी लगाई थी लेकिन वो हुई नहीं, दोबारा से लगाई है। और समर के देखिए फ्लावर्स देख लीजिए फ्रेंड्स,
और यहाँ पर एक बैंगन भी का पेड़ भी है, उस पर बैंगन लगे हुए हैं। यहाँ पर सब क्लीनिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और जो भी यहाँ पर कूड़ा था सब इस डस्टबिन में डाल दिया, इसको नीचे लेकर जाना है। और मेरे हाथ में ट्राइपॉड भी, इसको भी लेकर जाना है, और कपड़े सब लेकर नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बैठ गई थी, उसके बाद मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लेमन डालकर बनाकर लेकर आई हूँ, जो मैं रेगुलर पीती हूँ, आपके साथ पहले भी शेयर करती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर हेडफोन लगा लिए हैं और म्यूज़िक सुन रही हूँ। बहुत रिलैक्स मिलता है और ऐसे इंजॉय भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली में सब अभी सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, उठे नहीं है, सबको छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन है, तो सबको बोर नहीं करते। यहाँ पर मैं अपनी पी लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आपसे बात अभी कर रही हूँ। बहुत ही घर के काम हो जाते हैं हम हाउसवाइफ को। फ्रेंड्स, हम किसी भी धर्म के होना हमें पाठ पूजा हमेशा करना चाहिए। और यहाँ पर नहाने के बाद मैं आ चुकी थी बाबा जी के रूम में। यहाँ पर सब क्लीनिंग करूँगी पहले, फिर अपना पाठ पूजा करूँगी। आलू मैंने बॉईल कर निकाल कर रख कर आ चुकी हूँ सबके लिए। आज बनने जा रहे हैं आलू वाले परांठे। पूजा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, नीचे आ चुकी हैं, आलू बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इसका मिश्रण तैयार कर लेती हूँ सबके लिए। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण तैयार हो चुका है आलू का। इतना कलरफुल लग रहा है ना, धनिया डाला है इसमें। तो अभी मैं सबके लिए यहाँ पर परांठे बनाने लगी हूँ। प्लेट्स मैंने निकाल दी है। यहाँ पर थोड़ा घी गर्म रखा है, देसी घी में ही बनते हैं हमारे घर पर परांठे जब भी बनते हैं। तो चाय रख दी है, इसमें हरी इलायची डाल दी है, 2 दालमोट। दाल अड़ी गर्म हो चुका है, दूध बहुत कम लिया, 1 लीटर ही लिया, क्योंकि इतना दूध पड़ा हुआ है ना फ्रिज में, देखिए सब भरे हुए हैं, सब जो लोटे हैं ना वो भी सब भरे हुए हैं दूध के। कोई चाय नहीं पी रहा तो सब दूध इतना हो गया ना, इसलिए आज बहुत कम दूध लिया है, क्योंकि भैया लेकर आए थे तो मेरा दिल नहीं किया उनको ना इनकार करने के लिए। तभी मैं परांठे बनाती हूँ सबके लिए, सबको देती हूँ टर्न बाय टर्न। एंड मैं आपके लिए देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि मैं, मेरा मन नहीं है आज आलू के परांठे खाने का। देखती हूँ क्या खाती हूँ, आप बने रहिएगा इसी तरह। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट्स पपाया और बनाना लिया है। इसके साथ मैंने लिए हैं पम्पकिन के सीड्स लिए हैं, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्थी भी होते हैं। ओमेगा 3 होता है फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरे मुंह में ना थोड़ा सा छाला हो चुका था, जिसके कारण मैंने परौंठा नहीं खाया। अगर आप खाना चाहो तो बिना घी के खा सकते हो। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ड्राइंग रूम में आ चुकी हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। पर रोशनदान खुला रह गया था, जिसके कारण बहुत गंदा हो गया था। अब इसके मैंने कपड़े सब वॉश कर दिए, डस्टिंग कर दिया, और यहाँ पर लास्ट में लगा रही हूँ पोछा। आज मैं इस रूम की थोड़ी डस्टिंग भी करने लग गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, मैंने पिंक कलर का थीम दे रखा है पूरे रूम में, क्योंकि गर्मियों का मौसम, मैंने सोचा चलो पिंक कलर का थीम देते हैं, क्योंकि देखने को थोड़ा ठंडक लगेगा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैंने 12 kg अपना वजन कम कर लिया है 3 मंथ में फ्रेंड्स। मेरे लिए इतना टारगेट कम्प्लीट करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि मैंने 12 kg अपना वजन कम कर लिया। जो एक्स्ट्रा मेरे ऊपर इतना वेट जमा हो रखा था, बहुत ही अजीब लगता था फ्रेंड्स। मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी ना फ्रेंड्स, तब मेरा वेट था 77.30, इट मींस फ्रेंड्स 78 ही था। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कैसे स्टार्ट करूं, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की ना, तो दो कितने दिन मैं सोचती रही कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं घर के काम कैसे करूंगी अगर मैं जर्नी पर स्टार्ट हो गई, मैंने डाइटिंग करने लगी, अगर कुछ करने लगी। डायरी के ऊपर अपना वेट लिखा 77.30, उसके आगे टारगेट लिखा कितना टारगेट रखना है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, लिखा जो जो मुझे नहीं खाना, क्रॉस लिख कर ना, जो नहीं खाना उसकी लिस्ट बना दी मैंने। जैसे चीनी नहीं खानी, ऑयली फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बाहर के गोल गप्पे जो होते हैं ना, हम लोगों को बहुत, खास करके हम लेडीज लोगों को बहुत पसंद होते हैं, जब भी मार्केट जाएं तो गोल गप्पे चाट वगैरह खाते हो, सब कुछ नहीं खाना, क्रॉस कर दिया मैंने। मैंने क्या देखते हैं, 3 मंथ के लिए तो मैंने क्रॉस कर दिया था बिल्कुल अपना, तो सब कुछ मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया। और घर का खाना खाना है, स्पेशली मैंने व्हीट फ्लोर, कनक, गेहूं का आटा, उसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। कभी कभी ले लेती थी, लेकिन जो जैसे हम 2-2, 3-3 रोटियां खा लेते थे, उसकी जगह पर मैंने 1 रोटी कर दी फ्रेंड्स। और साथ में अपना लिया 32 बार का फार्मूला, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, उसने कमाल कर दिखाया फ्रेंड्स। वैसे मैं ना कर पाती, लेकिन 32 बार ने मुझे कर दिखाया। और मैं
इतनी पतली हो गई फ्रेंड्स, लेकिन अभी मेरी जर्नी फ्रेंड्स जारी है, अभी मुझे 7-8 kg और कम करना है फ्रेंड्स, लेकिन हमें डेडिकेट की तरह इसे फॉलो करूंगी। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। जब मैंने फर्स्ट मंथ में क्या स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, तो फर्स्ट मंथ में मैंने 7-8 kg वेट लूज किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में फिर उससे कम हुआ। उसके बाद मैंने 2 kg ही वेट लूज किया सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में मैंने फ्रेंड्स 2 kg ही लूज किया, मेरा टोटल 12 kg वेट लूज हो चुका है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ना एक लग रहा है कि हाँ मैंने कर दिखाया। सुख तू कर सकती थी, तूने कर लिया, तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। हाथ में मुझे मेडिकल प्रॉब्लम भी है कि मुझे आ रही फैक्टर पॉजिटिव, उसके होते हुए भी मैंने सब कुछ कर दिखाया है। लेकिन मैंने साथ में देखिए फ्रेंड्स, डाइट के साथ साथ ये सब चीज़ें जो मैंने छोड़ी, जो लेती रही, बेसन का चीला, ओट्स का चीला, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, सूजी का चीला, ये सब चीज़ें लेती, सैलड खूब भरपूर मात्रा में लिया। बिल्कुल ब्रेकफास्ट में तो मोस्टली मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, अभी भी फ्रूट्स ही खा रही हूँ। अभी मुझे 7-8 kg और कम करना है अपना वेट, तो अभी मेरी जर्नी जारी है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने सोचा चलो 3 month की जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ लगता है हम हाउसवाइफ हैं कैसे कर पाएंगे, लेकिन हो जाता है फ्रेंड्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहती बहुत आसान काम है, नहीं आसान तो नहीं है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, हमारी रूटीन चेंज होती है, हमारा खान पीन चेंज होता है, कभी कभी हमें फैमिली से अलग भी बनाना पड़ता है। जब कुछ ऑयली बन रहा हो तो हम अपने लिए कुछ अलग भी बनाना पड़ता है। अभी शुरू हो जाइए, अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की तो फ्रेंड्स कर दीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी लंच की तैयारी करनी है, अभी देखते हैं लंच में क्या खाते हैं। लंच में देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा, लेकिन फैमिली सबके लिए बनेंगे सैंडविच बनेंगे। आलू का मिश्रण बचा पड़ा हुआ है ना सुबह का, उसके भी सबको सैंडविच चाहिए। सब कह रहे थे पोहा नहीं खाना, घर पर कोई पोहा नहीं खाता मेरे अलावा, मैं ही खाती हूँ अकेली। जब कभी कभी देखिए फ्रेंड्स, हमें अलग भी बनाना पड़ता है फैमिली से, इससे कोई वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्ट है। जब हम जर्नी पर तुर पड़े हैं किसी मंजिल को पाने के लिए, तो हमें अपनी मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मेरा पोहा बन रहा है, इनके सैंडविच बन चुके हैं सबके, अब खा लेते हैं यहाँ पर बैठ के सब फैमिली के साथ। तो यहाँ पर बैठ कर देखिए मैं 32 bites कर चबा चबा कर अपना लंच खा रही हूँ फ्रेंड्स। लंच खाने के बाद इवनिंग को फ्रेंड्स आ जाती है चाय का टाइम, 5 बजे जब हम लोग पहले चाय पीते थे, लेकिन अब ग्रीन टी शुरू कर दी है। मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ और फैमिली के लिए बन रही है चाय। इसमें मैंने सौंफ और लूज वाली पत्ती डाली है ग्रीन टी की, अब सबके लिए डाल देते हैं और सबको दे देते हैं और अपनी ग्रीन टी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ साथ में मैंने लिए बुने हुए चने फ्रेंड्स, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाने, बहुत मात्रा में नहीं, एक मुट्ठी जैसे, एक मुट्ठी में जितने आ जाने इतने ही खाने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। तभी देखिए मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ, आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए सुबह धूप निकली थी, अभी बादल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है, जब इससे कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी कुछ पता नहीं चल रहा आजकल मौसम का। तभी आ चुकी हूँ किचन में, डिनर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं लौकी का थोड़ा सा सूप, बनाऊंगी अपने लिए सब्जी जैसा सूप ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर अदरक, प्याज, टमाटर और लौकी को साथ में ही डालकर, इसमें पानी और नमक डालकर, हल्दी डालकर इसको विस्लें लगा दूंगी 3-4। और फैमिली के बना लिए बनाई थी तोरी की सब्जी, उसमें डली थी मलाई, इसलिए मैंने वो वाली नहीं खाई। और साथ में सेवियाँ भी बनाकर दी है दूध वाली, सबको दे दी है अपने लिए। देखिए मेरा डिनर रेडी है, खा लेते हैं अभी। अभी नाइट का टाइम है, तो नाइट ड्रिंक में देखिए मैं जीरा ड्रिंक बना रही हूँ, आज सिंपल जीरा ड्रिंक ही लूँगी नाइट में, और कुछ नहीं लूँगी फ्रेंड्स। अभी जीरा ड्रिंक मेरी बन चुकी है, जीरा ड्रिंक पीते हैं और इसके साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन एंड बाय बाय।